बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने और लक्ष्य सेना ने जीता गोल्ड मेडल। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। नोएडा की सोसाइटी में बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। घर के बाहर अवैध कब्जे पर चला नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर। डिप्टी सीएम बोले होगी सख्त कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। फरार आरोपी श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित। तलाश में लखनऊ से हरिद्वार तक छापेमारी। आरोपी ने कोर्ट में दी सरेंडर की अर्जी। 10 अगस्त को सुनवाई। इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को राज्यसभा में दी गई विदाई। सरकार और विपक्ष के सभी सांसद रहे मौजूद। पीएम बोले आपके संवाद का तरीका मन को छूने वाला। संवाद का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधुर भी लगता है। ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर कटक में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मोदी जी का प्रयास है कि टीम इंडिया के नाते केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आगे बढ़े। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों के खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इसके लिए शुक्रिया। नंबर वन सच की राह पर चलने में आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़। न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल। सुप्रीम कोर्ट पर कपिल सिब्बल के बयान को ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने बताया कोर्ट की अवमानना। सिब्बल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से नहीं कोई उम्मीद। जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज। नीतीश कुमार ने कल बुलाई अपने सभी सांसदों की बैठक। बीजेपी और आरजेडी का गठबंधन में दरार की खबरों से इनकार। देश में एकमात्र जनता दल यूनाइटेड ही पुराना दल है एनडीए जो आज भी उनके साथ है। इसमें कोई अस्वाभाविक चीज हो रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। यूपी और दिल्ली में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट।